दोस्तों, ये मंडी की एक बात समझ में आई, जिसको लेना है वो बराबर ले लेता है और जिसको बेचना है वो बराबर बेच देता है और जिसको बेचना मिली थी जिससे हम रेसिंग कर रहे थे बकरा मंडी में, हाँ सॉरी रस्ते पे, तो जो हमारे बोल रहे थे उससे सौदा मान लेते रोक, यहाँ पर आ गई है जो ये गाड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पर सौदे वगैरह भी चालू है। एक बकरे के 7,000 रुपए बोले थे। इसकी जो है 11,000 रुपए रेट है, देखो 11,000 रुपए रेट बताया। साकिब भाई में जोश है, यहाँ पर रेट पूछ रहे साकिब भाई। यहाँ एक और सौदा हो रहा है, देखिए ये जो यहाँ पर हाथ में पैसे दे रहे हैं इसको क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। पहले पैसे दे रहे ना 20 रुपए, सौदा करने के पहले पैसे देना चाहिए पड़ता है, उसके बाद नहीं सौदा होता है, अगर सौदा नहीं हुआ तो पैसे वापस मिल जाते हैं। दूसरे बाजार में दिखला बजे ये ब्रह्मपुरी बकर मंडी की वीडियो डालेगा। मला 5 रुपये निघले तर मी देतो, मला काय तर त्या पैशाने किती आहे भावाजी, 6,500 सांगलो, 6,000 ची आहे म्हणला, नाही हे 7,500 की सांगत आहो, चांगले तो यहाँ पर 5,500 में सौदा हो गया। देखो ये ब्रह्मपुरी के व्यापारी पालने के लिए लिया ना काका जी, तो आप ब्रह्मपुरी की जगह, ब्रह्मपुरी की जगह आपको बाहर से, बाहर से कहाँ से, कौन से गांव से, फुटखेड़ा के दोस्तों रहा तो एक सौदा हो गया। देखिए यहाँ पर 5,500 रुपए में यहाँ पर ले लिए ये वाली जो बकरी है पालने के लिए, और दूसरी जो चालू है यहाँ पर तो एक और एक बकरी का सौदा हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पर तो देखिए ऐसा रहता है सौदा। तो दोस्तों ये मंडी की एक बात समझ में आई, जिसको लेना है वो बराबर ले लेता है और जिसको बेचना है वो बराबर बेच देता है और जिसको बेचना नहीं है वो बराबर किन किन करता है कि नहीं 10,000-20,000 रुपए रेट बताता है, और जो बराबर बेचने आता है वो बराबर बेचता है। उसने 7,000 रुपए रेट बताया था साकिब भाई,
और 5,500 में उनने बेच डाला है उसको बचे। काका जी आए भी पीछे से और 3 बकरियां बेच भी थे, 2 बकरियां बिल्कुल पटापट। मालूम है उनको बाजार का भाव तो कैसा रहता, करके बेचना है तो पट कर नहीं बेचना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, देखिए खाली हाथ जा रहे हैं, बिल्कुल देख सुख के अभी हो गया हमारा। बाजार में काफी तेजी थी, बकरियां भी काफी महंगी थी। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, पहले नाश्ता करेंगे ब्रह्मपुरी का और देखेंगे अगर फिर से वापस आने का मूड रहेगा तो वापस आएंगे। चलिए और हमेशा की तरह हमें कुछ नहीं मिला हम कुछ लिए नहीं मिला नहीं हम कुछ लिए नहीं अभी तो हम मार्केट देखने आए थे, जब लेने आएंगे तब भी बताएंगे। 112 किलोमीटर दूर सिर्फ अभी देखने आए थे हम दोस्तों। अभी देखो दोस्तों हम यहाँ पर आए थे, ये है वो नाश्ते की दुकान। वो ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर हम मिसल पाव खाए थे इसके पहले। वड़ा पाव है, मिसल पाव है, चूड़ा मिसल है, पोहा है, उपमा है, साबुदाना है। पोहा तो तरी मत डालना, एक इसमें इसके पहले हमने यहाँ पर तो मिसल पाव टेस्ट कर रहे थे और तरी पोहा नहीं चूड़ा चूड़ा टेस्ट कर रहे थे, मिसल पाव टेस्ट करके इसके पहले। तो अभी हम निकल पहले तरी पोहा खाएंगे, मैं तरी नहीं खाऊंगा, ये लोग खाएंगे। ये जो है ना ये इंसान ही बाजू में है और ये भी साकी भाई, देखो साकी भाई का चेहरा हो गया दिखाने लायक तो नहीं था। और वो इंसान भी तरी पोहा खाएगा, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ओ यहाँ पर हमारा पोहा आ गया, देखो साकी भाई कैसा टेस्ट है, माशाल्लाह एक नंबर नंबर टेस्ट है बोलते। तो हम भी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी नाश्ता करके हो गए और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। वो भाई ने बताया इधर काफ़ी अच्छी चाय मिलती करके, तो देखिए यहाँ पर राहुल चाय में आ गए चाय पीने। देखो चाय पीने आ गए यहाँ पर नाश्ता करके, बढ़िया नाश्ता बड़ा काफी अच्छा बना था, बढ़िया एक नंबर बना था नाश्ता। तरी थी उसमें तुम्हारे, इसमें दिख रही थी मेरे को, तरी नहीं दिख रही थी। चाय आ गई यहाँ पर, चाय के मजे ले रहे हैं यहाँ पर। चलो मिलते चाय पिए बाद इसे और। तो अभी हमारी चाय पी के होगी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, नाश्ता भी करके हो गया माशाल्लाह, काफी अच्छी चाय बनी थी। और वापस जाना है साकिब भाई बकरी मंडी, तो यहाँ पर हमने नाश्ता करे। अभी हमारी गाड़ी है, हम लेकर रहे हैं यहाँ से। तो अभी साकिब भाई वापस जाना है अपने को 112 किलोमीटर। हाँ तो चलिए इसके बाद जब बकरा लेने के लिए आएंगे तब आपको वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।